आज हम वीडियो में 12 वाट का RC ड्राइवर बनाएंगे। इसके अंदर हम क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास खाली एक PCB है, इसके अंदर हमने पहले ही डायोड एक 22 ओम की रेजिस्टेंस और एक 560K की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। डायोड है, इनके नंबर हैं 4007। RC ड्राइवर बनाने के लिए हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दो कंपोनेंट और लगते हैं आप देख रहे हैं, एक PF और एक कैपेसिटर। इनकी वैल्यू मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये जो PCB है इसको ही 9 वाट में, 12 वाट में, 15 वाट में हम यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करनी होती है इन दो कंपोनेंट की बॉक्स, और बाकी सभी यही लगते हैं। और अगर आप इनको हैवी करना चाहते हैं तो हैवी कर सकते हैं, जैसे 2200 या 1/4 वाट में लग रही है तो आप इसको 1/2 वाट या 1 वाट में भी लगा सकते हैं। 1/2 वाट बहुत होती है, 1/2 वाट में भी यूज कर सकते हैं। ये जो लग रही है इस वाली को आप, जिसको मैं हिला रहा हूँ, तो इसकी और अच्छी वो बन जाएगी। दूसरा एक मतलब और हैवी सर्किट हो जाएगा। दूसरा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड के एक डायरेक्शन है, मतलब डायोड है, इसका मेन पॉइंट एक ये है। अगर हम इसके मेन पॉइंट पे फ्यूज लगा दें 62 ओम या 68 ओम का, तो भी इस ड्राइवर की लाइफ और बढ़ जाएगी। वो हम हैवी ड्राइवर बनाने के लिए कह रहे हैं। अगर आपका और इसकी लाइफ बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर फ्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। हम इसके अंदर लगाएंगे एक 225J का PF 400 वोल्ट में, 225J 400 वोल्ट, और एक इसके अंदर लगाएंगे कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट, इस वाले कैपेसिटर को लगाएंगे। इससे हम इन दोनों चीज़ों को लगाने के बाद हम 12 वाट और 15 वाट की MCPCB में इसको यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ 9 वाट में भी लगा सकते हैं। ये 9 वाट के लिए भी एकदम बेहतरीन ड्राइवर हो जाएगा और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए मैं इसकी माउंटिंग कर देता हूँ। इसकी डायरेक्शन हमने देख ली और हम इसको उस तरह से लगा देते हैं। इसकी मैं सोल्डिंग कर देता हूँ पहले। इसके मैं सोल्डिंग कर दी, इसके मैं लैप काट देता हूँ। अब हमें लगाना PF। ये कंपोनेंट के हिसाब से PCB थोड़ी सी छोटी है, हम बड़ी PCB भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर बड़ी PCB का लगा सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल छोटी थी, मैं छोटी लगा रहा हूँ। आप बड़ी इसकी PCB आती है, बड़ी PCB में भी लगा सकते हैं। इसको भी मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। हमारा RC ड्राइवर तैयार है, उसको मैं चेक कर लेते हैं चलाकर। इसके अंदर दो वायर जोड़ देता हूँ, ये वाला वायर है इसको हम लगा देते हैं। प्लस माइनस हमें देखना है, प्लस और माइनस, ये देख सकते हैं इस पर डायरेक्शन बनी हुई है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, हम इन दोनों पे वायर लगा देंगे। एक कमेंट आया था मेरे पास, उन्होंने कहा था कि सर हमें एक 12 वाट और 15 वाट का ड्राइवर बनाना सिखाएं, RC वाला किस तरह से बनता है। उनके लिए वीडियो है, वो इस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं किस तरह से हम बनाते हैं 12 वाट और 15 वाट का ड्राइवर। और इसकी लाइफ की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी लाइफ होगी, रोशनी की बात करें तो रोशनी भी बहुत ही अच्छी होगी। जिस तरह से IC ड्राइवर में रोशनी आती है उसी तरह की इसके अंदर भी रोशनी आएगी। जैसे ये 15 वाट की MCPCB, इसके अंदर 1/2 वाट की LED लगी हुई है, 30 LED लगी हुई है, तो 15 × 30 होते हैं ना, तो 15 वाट हो गया। अब इसकी हम प्लस माइनस देख लेते हैं, माइनस और प्लस। अब इसको सोल्डिंग कर देते हैं। ये ड्राइवर ऐसा है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा, ये एकदम धुआंधार रोशनी आ रही है। इसके अंदर हम फ्यूज लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, 22 ओम जो उसको हैवी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ 12 वाट। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइटें जल रही हैं, तो इसके अंदर हमें एक रेजिस्टेंस का यूज़ करना होगा।
बीच में, जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ 560 के की रेजिस्टेंस लग रही है, तो एक यही वाली रेजिस्टेंस हम दोनों इन दोनों पॉइंट पर लगाएंगे। तो जिस तरह से लाइट जल रही है तो इस तरह से लाइट नहीं जलेगी, इन दोनों पॉइंट पर हमें इस तरह की 560 के की रेजिस्टेंस लगानी होगी। अब मैं आपको उसके अंदर 12 वाट चला कर दिखा देता हूँ 12 वाट की रोशनी कैसी है। ये हमारे पास सिस्का का 12 वाट है, इसको हम लगा देते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, इसको हम सोल्ड कर देते हैं ऊपर से ही। बहुत ही अच्छी रोशनी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में पीएफ आते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। इसको आप 9 वाट में, 12 वाट में, 15 वाट में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए रोशनी एकदम दिन निकाल रखा है, ज़रा सा भी इतना मतलब 19-20 का ही अंतर होगा IC ड्राइवर और इस RC ड्राइवर में, कंपनी के जैसी रोशनी देगा बिल्कुल। आप ट्राई कर सकते हैं, बनाकर देख सकते हैं। 225J का PF, 100 UF का माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाएं। ओके दोस्तों, बाय बाय।